Üçü Yogyuru Baba Ramdırcı Maharaj. शांत हो जाएगी कहते कहते, इसलिए कुछ तथ्यों को शाब्दिक रूप से सभी महापुरुष यहां से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। वेदों का बहुत बड़ा उद्घोष है, एकम सत विप्रा भूथा वदन्ति, एक ही ब्रह्म से सारे ब्रह्मांड का सृजन हुआ और उसी ब्रह्म की ज्योति, उसी ब्रह्म की शक्ति, उसी ब्रह्म का सामर्थ्य, उसी ब्रह्म का ऐश्वर्यात ईश्वर, उसी ब्रह्म का ऐश्वर्य सारी जड़ चेतन इस व्यष्टि और समष्टि में है। इसलिए हम मनुष्य और मनुष्य समस्त जड़ चेतन इस पूरे अस्तित्व में एक ही ब्रह्म के रूप को देखते हैं। कुछ मूर्त है, कुछ अमूर्त है, कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है। इसलिए कुछ लोग हम पर जातिवादी होने का आक्षेप लगाते हैं कि भारत में अभी भी जातिवाद व्यवस्था है, भेदभाव की व्यवस्था है, स्त्री और पुरुषों में भेदभाव होता है, जातियों के आधार पर भेदभाव होता है, मत वंश प्रदायों के आधार पर कहीं भेदभाव होता है, इस तरह का एक झूठा आरोप हम पर बढ़ते, जबकि हम एकत्व अनुपश्यत एको वशी सर्वभूतंतरात्मा यत्र विश्वं भवत्येक कनेडम, हमको एक ही एकत्व के सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व के उपासक, हमको सहचारिता में विश्वास रखते हैं, हमको उद्घोष करते हैं सहनाओ तो सहनो भुनक्तो, किसी से द्वेष करना या तो हमारी संस्कृति सभ्यता में हमारे स्वभाव में नहीं, मां भी दिशा में योजमान देश यम वयम विश्व स्तंभो जम वेद, प्रथम हमको यह जो हमारा एक सभिप्रा का उद्घोष है, जैसे हमारे पूर्व आचार्य यहां से कहकर के गए कि हमारे आचार्य जैसे कहते हैं वैसे जीते हैं, हम सब भारतीयों को वैसे जीना पड़ेगा कि हम ये उद्घोष करें कि हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, एक ही पूर्वजों की संतान हैं, एक ही भारत माता की संतान हैं, इसलिए हम सब एक समान और सभी के सभी महान, कोई जाति का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं, मजहबी परंपरा मत वंश प्रदायों की परंपरा हमारी गुरु परंपरा हो सकती है, लेकिन सत्य हमारा सिद्धांत है, वेद हमारा सिद्धांत है, सारी सृष्टि का कल्याण करना हमारा सिद्धांत है, अभ्युदय और निश्चय हमारा सिद्धांत है, भौतिक जगत में भी हम परम वैभव खड़ा करें और आध्यात्मिक के शिखर पर भी हम समाधि का आरोहण पाए, ऐसे हमारी यह एकत्व की समानता की परंपरा है। हमने तो समानता के गीत गाए और संग इसलिए एक बार एक समानता, न कोई स्त्री का न कोई पुरुष का भेद, और हम तो चाहते हैं कि अभी यहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज उठती है, कल पूज्य मुनि जी के यहां पर आयोजन था, तो हम तो एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां महिला सशक्तिकरण की बात ना हो, महिलाएं इतनी समर्थ हो जाए कि कल को पुरुष सशक्तिकरण की बात करनी पड़े, इतनी ताकत हम अपनी मातृशक्ति में देखना चाहते हैं। सब प्रकार से हमारे यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम तो आत्मस्पर्धा में जीने वाले लोग हैं, अपने आत्मगौरव के बल पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, अब यहां सब हमारे महान आचार्यगण बैठे हुए हैं, हम पर कुछ लोग आरोप ये लगाते हैं कि यह भारत में इतनी पवित्रता की बातें होती हैं, इतनी सदाचार की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ कुंभ क्षेत्र में जहाँ एक तरफ तप त्याग का दर्शन होता है, वहाँ थोड़े थोड़े धूम्रपान का भी दर्शन
सब महापुरुष एक स्वर से कम ये तो कहें, जिन साधु संतों और नागाओं ने सब कुछ छोड़ दिया है वो चिलम का भी मोह छोड़ दें, तो हमारे कम से कम साधुता के नाम पर ये चिलम का कम से कम एक जो एक ठप्पा लगा हुआ है ये भी हट जाए तो अच्छा रहे। और हम अंत में ये एक बात है, ऐसे तो तमाम दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुखों से, दोषों से, पराधीनताओं से हमें मुक्त होना, यही तो वेद का उद्घोष है। हमारे पूज्य आचार्य महामलेश्वर बैठे हैं, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी रोज उसी मंत्र से अपना कोई भी व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। और बहुत सिद्धांत का तो सर्वाधिक प्रिय मंत्र था विश्वान देव संगतर दुर्दान परास यद भद्रम तन्नास, सारे दोषों से हम दूर हों, सारा विश्व हमारा अनुकरण करते हुए गौरव अनुभव करे कि भारत के साधु संत ही नहीं, भारत के सभी ऋषि पुत्रों का ऐसा उन्नत चरित्र है कि पूरा विश्व उनका अनुकरण करे तो सबका उत्थान हो सकता है। और एक अंतिम बात ये कह करके कि हम राम का